हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, वीर जी को मैं अपने साथ लेके आया हूँ दिल्ली से आगरा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नॉन वेज के शौकीन हैं। ये इन्होंने मेरे साथ जम्मू में एंजॉय किया, पठानकोट में किया। 5 साल पहले मैं आगरा आया था, ये जिस ढाबे के बाहर मैं खड़ा हूँ यहाँ का मैंने वीडियो कवर किया था। और कोई भी मुझे कहता है आगरा कहाँ खाना जाया जाए नॉन वेज, तो मैं इस ढाबे का नाम ज़रूर लेता हूँ। और मुझे लगा कि जो हमारे नॉन वेज के शौकीन हैं, इनका अपना भी रेस्टोरेंट है रोहिणी में, तो क्यों ना इनको भी खिलाया जाए। बिल्कुल, और ढाबा स्टाइल आपको खिलाएंगे, सिंपल सिटिंग, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, और लोकल क्राउड ही नजर आ रहा है। तो कहाँ आए हैं आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैमरा घुमा के आपको दिखा रही है, ये है हिंग की मंडी आगरा। जी हाँ, हिंग की मंडी आगरा। अगर आप यहाँ पे वीकडेज में आएंगे, इस रोड पे बहुत रश मिलेगा, इस बाजार में बहुत रश मिलेगा। संडे के दिन आते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। पीछे मेरे हैं देसराज का ढाबा, हार्ड कोर नॉन वेज मटन डिशेस के लिए भाई साहब, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन आगरा। और आप पीछे सेटअप देखिए, छोटा सा ढाबा है देसराज का ढाबा, और बिल्कुल बहुत छोटा सा ढाबा है, 2-3 टेबल लगे हैं और वहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए इनके ओनर से मिलवाते हैं और यहाँ पे क्या क्या है वो भी दिखाते हैं। देसराज ढाबा से, 3rd जनरेशन से, भैया आपसे तो हम पहली बार मिले हैं, नाम बताइए। पिछली बार तो आपके फादर साहब थे। भैया मेरा नाम अंकुश है, अंकुश। ये हमारी 3rd जनरेशन है। 1970 प्लस से हमारी ये शॉप है। 90 से। और क्या क्या रखते हो यहाँ पे? 3 आइटम हमारे 12 महीने 3 आइटम रहते हैं, मटन कोरमा, मटन कीमा कलेजी, मटन बिरयानी। और टाइमिंग्स क्या रहती है आपकी? सुबह 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। 10 बजे कोई छुट्टी वगैरह किसी दिन? ट्यूजडे हमारा परमानेंट ऑफ होता है। अच्छा, आपका मंगलवार ऑफ रहता है। और ये प्रॉपर हिंग की मंडी के अंदर? हिंग की मंडी के अंदर ही है। और कोई डिलीवरी वगैरह का भी रखते हैं? हाँ, हम फिजिकली डिलीवरी कर देते हैं कस्टमर। अच्छा। के पास जैसे कस्टमर दूर से आता तो हम खुद डिलीवरी कर देते हैं सुबह। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया हमसे बात करने। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है ये इनकी। भैया ये है मटन बिरयानी। ये इनकी मटन बिरयानी क्या रेट रहता है? मटन बिरयानी हमारी भैया 520 रुपए किलो। 520 रुपए किलो। हाँ जी, वाह जी वाह। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। हमारा मटन कोरमा। कोरमा, अच्छा जी, मटन कोरमा है हमारा। दिखाइए जैसे पीसेस दिखाइए, मज़ा तभी हमारे आएगा, व्यूवर्स को पता लगे कि भाई वो अगर दूर से आगरे आ रहे हैं तो आगरा आना उनका सफल है या नहीं है ये देखिए। और क्या रेट रहता है ये? ये मटन हमारा 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये किलो। और ये हमारा मटन कीमा कलेजी। ये मटन कीमा कलेजी, ये देखिए कीमा कलेजी गुर्दा सब इसके अंदर ही होता है, मिक्स होता है ये। वाह जी वाह। और ये क्या रेट रहता है? ये एक मटन कोरमा और मटन कीमा कलेजी 1300 रुपये किलो। 1300। आइए अब आपको ढाबा भी दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा ये ढाबा है, 2 ही टेबल लगे हैं, यहाँ आप बैठ के पंखे के नीचे एंजॉय खाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ तोल के दी जाती है, तो हमारे लिए प्लेट सस्ती हुई। कितने ग्राम है ये? 250 ग्राम की प्लेट जो आती है। 250 ग्राम की क्या रेट पड़ता है? 1300 रुपये किलो है भैया। ठीक है, 1300 रुपये किलो है और ये हमने 250 ग्राम लिया है। और ये अब मटन कोरमा लगते हुए। खाना हमारे टेबल पे सज चुका है, लेकिन हम अपना धर्म निभाएंगे। आपको पता है हमारा धर्म क्या होता है? इंस्टाग्राम के लिए फोटो और फेसबुक के लिए। तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिए। ये स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे हम लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखेंगे एक एक मिनट के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, छोटे छोटे रिव्यूज़ मिलेंगे। तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो करिए, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हमारे छोटे वाले रिव्यूज़ जो हमने फ़ोन से बनाए हैं या स्पेशल एडिट करके आपके लिए परोस रहे हैं, उसको आप मिस ना कर सकते। तो सबसे पहले वीर जी, आपने देखा, आप हमारे दर्शकों को बता दो कौन सा ऑयल यूज़ होता है इसको बनाने के लिए? यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ करने के। रिफाइंड ऑयल? रिफाइंड। चलो जी आओ जी। तुझे चाँप चुके मैं नली चुके ये देखो जी, सारे अच्छे अच्छे पीस डाले इन्होंने, छाप नली मछली पोट बहुत बढ़िया पीस। ये देखिए आ
अच्छा, हमने आगरा में और भी जगहों पे खाया, यहाँ का और जो हमने इससे पहले आपको जहाँ ढाबा, दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, दोनों का टेस्ट डिफरेंट। ये आप खाओगे ना, तो जब हम हरियाणा पंजाब की तरफ निकलते हैं तो जो देसी स्टाइल होता है ढाबा स्टाइल, टमाटर प्याज की हल्की सी खटास जो होती है वैसा है, और मीट बहुत अच्छा गला हुआ है। सबसे अच्छी बात है छोटे बकरे यूज करते हैं जो बुनाई बुनाई में तैयार हो रहे हैं। लो जी, उन आ गया कीमा कलेजी और साथ में गुर्दे। होय होय, इतना अच्छा पका हुआ। ये देखो ना, आप येलो येलो रंग का रखा है इसके अंदर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ये हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फुलके ना चेक करिए, करो जी। अच्छा, रोटी मुझे बड़ी पसंद आई है, जैसे क्रिस्पी पतली सी, पतली पतली रोटी। हाँ, चेयर्स करो। आपने दोनों चीजें खाई, हमने और भी यहाँ आपको मैंने ढाबा दिखाया, फ्लेवर में दुनिया जान का फर्क है, मतलब सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंस है। अगर आप आगरा आते हैं तो जो हमने से पहले आपको ढाबा दिखाया था कुछ हफ्ते पहले, हमने ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप आगरा आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, लंच एक ढाबे पर कर लें, डिनर दूसरी जगह कर लो। दोनों ही बड़े लाजवाब हैं, अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे, और दोनों का डिफरेंस टेस्ट में बहुत डिफरेंस है, मतलब एक सेकंड भी सिमिलैरिटी नहीं है। और कईयों की प्रेफरेंस होती है, कोई देसी घी वाला खाता है, कोई रिफाइंड वाला खाता है। मेरे को तो दोनों पसंद आए, मैं तो आगरे आया करूँगा तो मेरा यही है, लंच एक ढाबे पे, डिनर दूसरे ढाबे। और जैसे मैं आपको कह रहा था, स्पेशली मैं तो गाड़ी उठा के लंच करने के लिए स्पेशली आ सकता हूँ खाने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ और खा के चले रहो। देखो जी, इनको मैंने जितना भी खिलाया ना, इनका प्रोग्राम बन गया, ये सुबह दिल्ली से निकला करेंगे दोस्तों के साथ, खाएंगे शाम को वापस। डेढ़ दो घंटे का रास्ता नहीं एक्सप्रेस वे में, क्या पता चलता है, लॉन्ग ड्राइव भी लॉन्ग ड्राइव हो जाती बंदे की। इतना सॉफ्ट मीट है, आप देखो ऐसे गया घर। और पिंक कलर का मतलब होता है फ्रेश मटन, मतलब इतना अच्छा मीट, और छोटे बकरे का मीट है। बहुत अच्छा सा पका हुआ मीट, मतलब एक बारी भी आपके दांतों में अड़ेगा नहीं और आपको चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।